हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड ये सॉरी एक दिन डिले हो गया। ये इसका लास्ट पार्ट है हमारे करंट अफेयर्स का। तो तीनों करंट अफेयर्स तीन पार्ट में बने हैं ये। तो आप लोग को काफ़ी ईजी होगा, पूरे जुलाई करंट अफेयर्स एक बार में ख़त्म हो जाएंगे। एंड एक चीज़ इसमें मिसिंग रहेगी, वो है जो अपॉइंटमेंट्स और जो आपके जो लोग जिन अपना पद छोड़ा है उनको मैंने अब इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो वो उसके लिए मैं एक नया वीडियो ले आऊंगा, वो बाद में बनेगा। बिकॉज हमको सारे अपॉइंटमेंट्स की जरूरत होते नहीं है, सिर्फ काफी बड़े बड़े पोस्ट के ही जरूरत रहते हैं। और काफी सारे मेरे पास जो कलेक्शन है उसमें काफी ज्यादा था, तो उसको थोड़ा छाटना पड़ेगा। बट स्टिल जितने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पर्यावरण और आपके जो कुछ बुक्स आए हैं इस बार, वो सबके मैंने कलेक्शन इस वीडियो में लाए हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। और ये लिखा इंग्लिश में है पर आपको मैं हिंदी में बताऊंगा, तो इसे दोनों लैंग्वेजेस में आपको फायदा हो जाएगा। तो पहला जो है उसमें है जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम है, आपको पता है कि जियो है, उन्होंने अपना एशिया अफ्रीका यूरोप का सबमरीन केबल सिस्टम को है लॉन्च किया है। और ये सबसे लंबी 100 GB पर सेकेंड की टेक्नोलॉजी है, जो कि सबमरीन सिस्टम में आपके उस पर बेस्ड है, मतलब समुद्र के नीचे रहती है। एंड ये 25,000 किलोमीटर तक रहेगी। ये मार्सिली फ्रांस से लेके हांगकांग तक है, और इसमें 21 केबल लैंडिंग्स रहेंगी एशिया से यूरोप के अक्रॉस में। तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने लॉन्च किया है, ठीक है, इतना याद रखना है। देन नासा ने एक पहला मिशन कर रहे हैं जो कि अर्थ के सामने आते हुए उल्का को डिफ्लेक्ट कर सके, या उसको उसका जो पथ को चेंज कर सके। एंड ये टेस्ट करने के लिए काम आएगा कि कितना मैनकाइंड, कितना मतलब मानव जाति कितनी परफेक्ट है अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने में, कि जिससे कॉस्मिक बॉडी जो होती है, जो बाहर से जो विपदाएं आती हैं उनको झेलने में कितना सारा सक्षम है। देन साइंटिस्ट ने वर्ल्ड का सबसे शार्पेस्ट लेजर डेवलप किया है, और ये ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक्स जो होते हैं उनको ज्यादा ही प्रिसाइज बनाएगा। यहाँ तक कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उनको भी टेस्ट करेगा। आप जो क्यूआर सैम है, मतलब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुई थी उड़ीसा के कोस्ट चंद्रपुर से, ये बालासोर के पास है। और इस मिसाइल की कैपेसिटी ये है कि मल्टीपल टारगेट एंगेज कर सकती है। उसका स्ट्राइक रेंज जो है ये 25 से 30 किलोमीटर तक का है। फिर नॉर्थ कोरिया ये क्लेम करता है कि उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये इसका टेस्ट किया है, और ये कहीं भी वर्ल्ड में अपना ये मिसाइल छोड़ सकती है, मतलब ऐसा इस मिसाइल की कैपेबिलिटी है। फिर स्पेस एक्स ने ड्रैगन कार्गो स्पेयर जो स्पेस क्राफ्ट है वो अर्थ से वापस आया है जुलाई 3 में, तो ड्रैगन कार्गो आप याद रख लीजिएगा। फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहला चाइनीज एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट स्पेस एक्स का है जो कि 11th क्वांटिटी कार्बो को रिसप्लाई करेगा नासा में। फिर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डिटेल्ड स्कैन ब्रेन के इंटरनल वायरिंग जिसमें वो है उसको प्रोड्यूस किया गया है कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके के साइंटिस्ट, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्टों ने। और ये नॉटिंगम कार्डिफ कैम्ब्रिज स्टॉकपार्ट ऐसे और एज वेल एज लंडन एंड लंडन ऑन्टारियो सब जगह ये हुआ है स्कैनिंग। फिर स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है वो सक्सेसफुली डिलीवर कर चुका है सुपर हैवी इंटेल SAT-35E को। ये कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है, और ये कैनेडी स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा द्वारा लॉन्च किया गया था, मतलब वहां से लॉन्च हुआ था। पाकिस्तान ने अभी ट्रेनिंग लॉन्चेस और टेस्ट किया है नए टेक्निकल पैरामीटर जो NASR है, जो कि साफ नसर या कुछ नहीं क्या बोलते हैं, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये 60 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है। रावलपिंडी से हुआ है इसका लॉन्च। देन जो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन है, इन्होंने एक सेलफोन वो इन्वेंट किया है जिसमें बैटरी नहीं लगेगी, और ये चलेगा किससे, ये रेडियो सिग्नल या उससे जो फ्यू माइक्रोवॉट्स है उनसे ये अपना एनर्जी लेगा। सेंटन ने एक जीएसटी रेट फाइंडर ऐप डाउनलोड बोलता हूँ मैं आपको सॉरी लॉन्च किया है, और ये टैक्स जो रेट है उनको
फाइंड करने के लिए रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में ये मौजूद होगा। फिर हम बताते हैं जो हम लोगों ने कल एक परसों एक न्यूज देखा था गोनोरिया के बारे में, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इसके बारे में एक छोटी सी ये वैक्सीन आई है, वो है ये क्या बोलते हैं आपको, पहला मार्क ऐसा मिला है कि जो क्या बोलते थोड़ा बहुत इसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकता है आपको, तो उसके बारे में ये न्यूज है थी मतलब सॉरी जुलाई में। फिर नासा का जो जूनो मिशन है, जूनो मिशन से आपको बस एक ही याद रखना है, जे से जूनो, जे से जुपिटर, ठीक है। जुपिटर के जो रेड स्पॉट होता है, जो आपका देखते हैं बड़ा सा एक रेड स्पॉट दिखता होगा आपको लाल कलर का, जो जिस जो पूरा एक तरह से साइक्लोन का है, वो अर्थ से भी ज्यादा बड़ा है, तो उसका एक उसके से रिलेटेड रहता है ये। तो आपको जूनो मिशन आएगा तो आप जुपिटर को याद रखिएगा अच्छे से। फिर डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया डॉपलर वेदर रडार, ठीक है। और ये क्या रहेगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कोची द्वारा बनाया गया है। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स ने सबसे स्मॉलेस्ट स्टार खोजा गया है गैलेक्सी में। इस स्टार को हम लोग EBLM J0555_5-57AB के नाम से जानते हैं, और ये 600 प्रकाश वर्ष दूर है अर्थ से। अब इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या ढूंढा है, इन्होंने एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी ढूंढा है, ये हम लोगों ने लास्ट मेरे ख्याल से उसमें किया था, और ये 20 मिलियन बिलियन सन से बना हुआ, खरा बरा मतलब आप बना बता ही सकते हो उतने सन्स को मिला के बना हुआ है, उतने सूर्य को मिला के बना हुआ है। और ये पुणे बेस्ड इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट IUCAA द्वारा बनाया गया है। रशियन सोयुज रॉकेट इसने बैकनोर कॉस्मोड्रोन इन कजाकिस्तान यहां से लिफ्ट किया है, और ये 73 सैटेलाइट को 3 डिफरेंट ऑर्बिट पे डिप्लॉय करेगा। तो आप इसको नाम को याद रख लीजिए, क्योंकि तो हम लोग की इंडिया में अभी काफी ज्यादा GSLV ये सब यूज हो रहे हैं, तो ये 73 भी कोई बड़ा बहुत बड़ा एक तरह से अंक है, तो ये याद रख लीजिए आप। फिर रेल मिनिस्टर ने एक लॉन्च किया है सारथी ऐप, जो कि है सिनर्जाइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल ऐप। ये सब पैसेंजर के सारी रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग टिकट बुकिंग, इंक्वायरी, क्लीनिंग विनिंग, मील ऑर्डर करने, सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में है। साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन्होंने एक सुपर स्ट्रेची और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल सिल्क बनाया है, और ये काम आएगा आपको इको फ्रेंडली टेक्सटाइल और सेंसर्स को बिल्ड करने में। फिर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक सोहम हियरिंग डिवाइस लॉन्च किया है, स्क्रीनिंग डिवाइस। ये एक लो कॉस्ट स्क्रीनिंग डिवाइस है, जो कि जिनके जो बच्चों में जो हियरिंग लॉस होती है शुरू शुरू में, उनको ठीक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, ताकि उस पर हम थोड़े से मतलब काम करके उसको ठीक कर सकें। फिर साइंटिस्ट ने जो है ETH ज्यूरिच जो स्विट्जरलैंड में, इन्होंने 3D प्रिंटेड सॉल्व सिलिकॉन हार्ट बना दिया, मतलब दिल बनाया, जो कि रिजेंबल करता है, फंक्शन भी करता है मानव अंग की तरह। फिर उड़ाई, जो कि आप जानते हैं कि एक उड़ाई जो UIDAI ये आधार नंबर इशू करता है, इन्होंने एक एम आधार ऐप लॉन्च किया है मोबाइल यूजर्स के लिए, जो कि यूजर्स को यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल मोबाइल पे रखने के लिए फायदा देगा। फिर गूगल ने एक हायर वो लॉन्च किया, एक रिक्रूटिंग ऐप है स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस के लिए, इट ऑल्सो इंटीग्रेट सीमलेसली विद जी सूट। अब ये जी सूट क्या होता है, अगर आप किसी को पता है तो कमेंट में लिखिए, वरना मैं लिख दूंगा। साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवंतपुरम में है ये, इन्होंने एक हाइड्रोफोबिक सॉर्बेंट, जो कि ऑयल और सबको सक कर लेगा, मतलब ऐसा सॉर्बेंट है कि आप उसको पानी में जो ऑयल ऑयल रहता है ये सबको अपने पास खींच लेगा। ये बहुत फायदेमंद है कि आपके जो ऑयल स्पिल्स होते हैं कंटेनर से, या जो बॉम्बे में जो जो ऑयल पोर्ट है उससे, उसको ठीक करने में बहुत काम आएगा। आप लोग फेसबुक में देखते होंगे कई सारे वीडियोस आते होंगे कि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जिसमें ऑयल ऐसा आएगा, ऐसे आप ऑयल के स्ट्रेन्स को आप ले जा सकते हैं, उस हिसाब से ही कुछ है ये। साइंटिस्ट ने फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेवलप किया है सर्फ नेट। ये क्या कर सकता है, ये 3D मॉडल क्रिएट कर सकता है, 2D फोटोग्राफ्स क्रिएट कर सकता है, और जो सर्फ नेट है ये आपका रोबोटिक्स में यूज हो सकता है, किसी को पहचानने, किसी वस्तु को पहचानने के लिए यूज हो सकता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो कि इंडिया में शायद नहीं आएगा, बिकॉज मंत्रियों ने बोला है कि
जॉब्स बहुत छीनी जा सकती हैं, और वैसे भी इंडिया का रोड उसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए उतना अच्छा है भी नहीं। फिर आते हैं हम नीति आयोग, इन्होंने 6 ट्रांसपोर्ट प्रपोजल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अप्रूव कर दिए हैं, और ये सबसे ज्यादा दिस मिनिस्ट्री जो है टॉप ऑफिशियल्स ऑफ रेलवे के साथ उन्होंने वो हेड किए थे, जिससे आप देख सकें कौन सी टेक्नोलॉजी और जो ग्लोबल प्रैक्टिस मतलब जो बहुत जगह देशों में यूज हो रही है उसको देख के। ठीक है, अब एक रशियन बिलियनियर हैं यूरी मिलियनियर्स, इन्होंने क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम को खुद से जो मतलब पता करने का एक स्मॉल स्पेसक्राफ्ट भेजा है अर्थ में, जिसको बोलते हैं स्प्राइट्स। ठीक है, स्प्राइट्स ये याद रख लो, आप स्प्राइट का बॉटल से याद रख लो कि भाई साहब क्लियर है, पूरी तरह से अकेले आदमी ने भेजा है, रशियन के यूरी मिलनर्स ने। ठीक है, फिर एक अब एक्सरसाइज पे आते हैं। आपको मैंने बता चुका है कि एक्स मैत्री एक्सरसाइज जो हो रहा है वो इंडियन और थाई आर्मी के बीच में हो रहा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था। फिर जो मलाबार एक्सरसाइज होती है, सबको पता होना चाहिए कि यूएस इंडिया और जापान के मेरीटाइम फोर्सेस के बीच में होती है। ठीक है, देन इस बार नेवल्स अब आते हैं, नेटो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये बुल्गेरिया में हो रही है, तो उतना ध्यान नहीं देना है। फिर रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने अपने 2 नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स को वो किया है, जिसका नाम है सांची एंड श्रुति। ठीक है, ये थे इनके पीपावा गुजरात से होंगे, मतलब वहां पे शिपयार्ड से जाएंगे। फिर एज पर पब्लिकेशन, जो अब आप कुछ और एनवायरमेंट में आते हैं, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हमको जानते हैं सुंदरबन का, ये बहुत ज्यादा ही मतलब खराब हो रहे हैं, तो ये एक हम देखेंगे 124.400 मतलब 124 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो लॉस्ट हो चुके हैं 1886 से 2012 तक। आप लोग देखते होंगे काफी सारे वो आता है कि सेव इंडियन रिवर्स, क्योंकि बहुत सारे इंडियन रिवर्स का जो बहाव है वो काफी पतला हो गया 1986 से लेके अब तक, तो वो सब के मतलब हर जगह वो ऐसे काम में आ रहा है, हर जगह इस आप मतलब एनवायरमेंट इतना पॉल्यूट हो चुका है अब कि सब चीज अब कम हो रहा है, और इट्स रियली अ कंसर्न फॉर अस। अब असम गवर्नमेंट ने एक स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स SRPF 1 जुलाई को लॉन्च किया था, ये हमारे जो एक सींग वाले राइनो होते हैं, गेंडे होते हैं, उनके लिए है। ठीक है, उनको प्रोटेक्शन के लिए है। फिर आते हैं रेयर व्हाइट टाइगर, जो कि पेल स्किन कलर जो होता है उसमें स्पॉट किया गया नीलगिरीज में पहले बार एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के द्वारा। फिर तो ये याद रखिए कहाँ पे स्पॉट किया गया, ठीक है, कहाँ पे स्पॉट किया गया ये, तो आप कैसे लिखेंगे नोट्स में अपने, व्हाइट टाइगर स्पॉटेड नीलगिरी, बस खत्म। असम गवर्नमेंट स्पेशल राइनो फोर्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट डिग्रेडिंग 124 किलोमीटर, ऐसे करके स्क्वायर किलोमीटर। अब ये और देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और IIT बॉम्बे ने मिलके ऐसा बताया है कि 2015 का जो एक्सट्रीम एलनीनो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था चेन्नई के रेनफॉल में। फिर आपको पता है कि 1982 और 1957 के बाद 2015 का जो एलनीनो है सबसे ज्यादा खतरनाक था। फिर इंडिया जो है वो 5 ऐसे कंट्री में आता है जो ड्राई वेस्ट वाटर फार्म यूज करते हैं, आपको पता है मैंने ये पहले बता चुका है, चाइना पाकिस्तान मेक्सिको ईरान के बाद इंडिया आता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिर स्टडी ने ये बताया कि मार्स में क्या है कि टॉक्सिक कॉकटेल, कॉकटेल मतलब अलग अलग केमिकल्स का मिश्रण है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देता है, तो ये बहुत ही एक तरह से सेटबैक है जो लोग बता रहे हैं कि मार्स में जाके इन लोग स्थापित होंगे या मार्स में नया सिविलाइजेशन खोलेंगे, तो वो सबको ठीक करना पड़ेगा पहले। देन साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एक यूनिक स्पीशीज कॉल्ड हर्मिट क्रैब, ठीक है, ये कस्टाशियन नामक एक पैरागीपियस एटिंगसोन या ग्रीन, सॉरी इतना आपको ये आपको याद कर सकते हैं आप, जो पैराग्रिपियोगुरुस समथिंग, ठीक है, एटकिन सोने, आपको जैसे याद करने है कर लीजिए, और द ग्रीन आइड हर्मिट क्रैब, तो देखिए ये कितना सिंपल सा नाम है। ठीक है, तो यही याद कर लीजिए, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट एक तरह से रखे रहो, एनवायरमेंट में काम आता है जब कोई मेंस का एग्जाम लिखोगे आप लोग तो। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन्होंने नाइलॉन और सिंथेटिक मांझा पे बैन लगा दिया है, क्योंकि ये आपके ग्लास जो कि ग्लास से कांच से बनता है, और ये बर्ड्स और एनिमल्स को बहुत घाटा पहुंचाता है, थ्रेट है एक तरह से उनके लिए। फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI,
इन्होंने डिस्कवर किया है कि बहुत ज्यादा मिलियन ऑफ टन्स ऑफ प्रीशियस मेटल्स एंड मिनरल्स जो हैं वो डीप अंडर द वाटर्स हैं इन सराउंडिंग द पेनिनसुलर इंडिया। फिर जो अंडर वाटर घोस्ट नेट से वो जो है वो एक मरीन इकोसिस्टम ऑफ केरला में एक तरह से थ्रेट है, बिकॉज उसके नेचुरल हैबिटेट और ब्रीडिंग ग्राउंड अंडर वाटर फिश के लिए खत्म होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। फिर तेलंगाना ने एक इको फ्रेंडली ब्रिज किया है जो ताकि टाइगर के इजी मूवमेंट के लिए, और ये कंस्ट्रक्शन का परमिशन मिल चुका है तेलंगाना इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा। अब एक स्टडी किया है कि जो कैस्टर प्लांट्स है वो सॉइल को रिड्यूस करते हैं जो कि हाईली पॉल्यूटेड और हैवी मेटल्स ड्यू टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जो कैस्टर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको मैं सही सरल भाषा में बताऊं, जो जो भी सॉइल जो रहते हैं जो कि प्रदूषित हो जाते हैं हैवी मेटल्स के कारण जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से होता है, तो कैस्टर प्लांट उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फिर टाइफून हैतांग ये चाइना के ईस्टर्न फ्यूजियन प्रोविंस में स्ट्रक किया और काफी तबाही मचाई, 2 लाख पीपल जो है वो टाइफून का इवैक्यूएट करना पड़ा। तो हैतांग में 10वां टाइफून है इस बार का। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने तीन नए स्पीशीज डेवलप किए हैं, डेवलप बोलता हूँ सॉरी, डिस्कवर किए हैं नेवादा के ग्रेट बेसिन ऑफ यूएस में, ये भी एक न्यूज है। फिर आपकी एक न्यूज है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, इन्होंने ये बताया कि टाइगर का जो है वो 63 बिग कैट्स और ज्यादा बढ़ गया, मतलब कि 242 हो गया है टाइगर का काउंट, पहले कितना उसमें 63 जो है 242 मिलकर और बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा जो है वो कर्नाटका में है, वो जो है 400 टाइगर्स हैं वहां पे। फिर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक नया स्पीशीज जो कि पैसिफिक ओशन में है, जो कि शार्क है जो अंधेरे में ग्लो करता है और इसमें काफी बड़ा नाक रहता है, ये सब दिखाया बाकी। अब लेकिन हाँ, इनका वेट बहुत कम रहता है, इनका 1 फुट से कम गए तो ज्यादा बड़े शार्क नहीं रहते है। और वैसे इतना बड़ा शार्क अगर ग्लो करेगा तो समझ जाओ आप लोग। अब अकॉर्डिंग टू लैंड एंड रिसोर्स मिनिस्ट्री, चाइना है सक्सेसफुली प्रोड्यूस नेचुरल गैस फ्रॉम मीथेन हाइड्रेट, इसको बोलते हैं फ्लेमेबल आइस। ठीक है, फिर आपको आते हैं थोड़े आपके जो जेहान दारूवाला है, ये पहले इंडियन ड्राइवर बन गए, इन्होंने FIA फॉर्मूला 3 यूरोपियन चैंपियनशिप जीती है। और जेहान दारूवाला नाम याद रख लीजिए, पहले इसके पहले थे नारायण कार्तिकेयन जिन्होंने ब्रिटिश F3 चैंपियनशिप जीती थी। अब इंडिया जो है 4 प्लेस अप हो गया है फीफा में, पहले 100 पे था, 94 6th पे है सॉरी। देन पंकज अडवाणी ने लक्ष्मण रावत के साथ टीम अप करके पाकिस्तान को हराया स्नूकर में, और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था बिश्केक किर्गिस्तान में। ठीक है, भुवनेश्वर में तीसरा इंडियन सिटी है जो एशियन चैंपियनशिप होस्ट किया, और मेस्कॉट था ऑलिव रिडली सी टर्टल, पता है हमको ये कहाँ, भितरकनिका पार्क में है और यहाँ पे सॉल्ट वाटर कोकोडाइल पाए जाते हैं, तो आपको सब पता करना चाहिए। फिर इंडिया ने हाईएस्ट एवर मेडल हॉल किया है, 29 मेडल मिले इंडिया को एशियन चैंपियनशिप में, 12 गोल्ड 5 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज। फिर दिस टाइम इंडिया ने आपको पता है, अब ये सब आप देख रही थी कौन कौन, नीरज चोपड़ा चोपड़ा गोविंदन एंड स्वप्ना बर्मन। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं मैन सिंगल में, ये आप इस टेबल को देख लीजिए अच्छे से और इससे आप पता कर सकते हैं किसने क्या जीता है। रॉजर फेडरर सबको पता होना चाहिए, इसलिए जीत गए थे, बाकी आप देख लीजिए क्योंकि इसमें बोलने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ टेबल कॉपी कर सकते हैं। विम्बल्डन का है ये। फिर कारगिल इंटरनेशनल मैराथन हुआ था, रन फॉर सरहद, 17 जुलाई का हुआ था, इसमें 800 रनर पूरे देश विदेश से पार्टिसिपेट किए थे। अब दमनीत सिंह, इन्होंने अंडर 18 चैंपियनशिप जीती है और ये नैरोबी केनिया में हुआ था। अब 7 इंडियन स्टूडेंट का एक ग्रुप है, इन्होंने रोबोटिक ओलंपियाड में फर्स्ट ग्लोबल के नाम पे दो अवार्ड जीते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मुंबई के जो बच्चे हैं नील जोशी और अनन्या दापके, इन्होंने अंडर 15 बॉयज एंड गर्ल्स टाइटल इन डच ओपन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने एक मिशन फुटबॉल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लॉन्च किया था, टू लॉन्च टू फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए।
अब बुक्स के बारे में आता है, को पता है कि प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को एक बुक मिली थी राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। नाउ अमित भारद्वाज ने इन्होंने एक थर्ड ई बुक डाली है, क्रिप्टो करेंसी फॉर बिगनर्स, ये ट्रेडिंग के लिए है। और फिर आते हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट और आरएसएस के चीफ, इन्होंने द बुक मेकिंग ऑफ लेजेंड जो कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है वो निकाली है। अब डलहौजी थ्रू माई आईज ये सिविल सर्वेंट रिटायर किरण चड्ढा ने लिखी है, ये आप याद कर लीजिए। फिर प्रेसिडेंट्स लेडी करके एक बुक है जो कि प्रणाबेर प्रेयसी उनके ने लिखी है, और उनकी वाइफ प्रणब मुखर्जी की वाइफ जो है लेट वाइफ जिनके देहांत हो चुका है उनके ऊपर है। और इनका प्रेसिडेंट लेडी के जो ऑथर है वो है संगीता घोष। फिर डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने गंगा आवाहन करके एक बुक लिखी है, रिलीज की है सॉरी, और उसमें 28,000 किलोमीटर का जो ओपन वाटर स्विम एक्सपीडिशन गंगा वाटर में उसको बताया गया है। केटी प्रेस की जो तीसरी बुक है, जो नेक्स्ट बुक है प्लेइंग विथ फायर, वो इस साल आएगी। सी प्रणब मुखर्जी ने फ्यूचर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कंपेरेटिव एंड इंटरनेशनल परस्पेक्टिव्स, ये इनको बुक को पहली कॉपी मिली है, और ये कंपाइल किया गया है सी राजकुमार जो कि वाइस चांसलर हैं JGU यूनिवर्सिटी, और ये पब्लिश की गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। फिर मन की बात करके जो सी विद्यासागर राव जो कि गवर्नर है महाराष्ट्र के, और क्या बोलते हैं तमिलनाडु के भी गवर्नर है, और चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने ये बुक लिखी है मन की बात सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो, राजभवन ने पब्लिश की। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह मोदी ने पहला फोर्थ वॉल्यूम ऑफ सिलेक्टेड स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी लॉन्च किया। वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे देख लीजिए, ये पूरे दिन है कब मनाए जाते हैं, तो ग्लोबल फॉरगिवनेस डे 7 जुलाई, प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई, जूनेस डे 6 जुलाई, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, मलाला डे 12 जुलाई, यूथ डे 15 जुलाई, इंटरनेशनल जस्टिस डे 17 जुलाई। थोड़े थोड़े याद कर लीजिए, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी नया नया आया तो इंपॉर्टेंट होगा, और ये दोनों। फिर वैसे ही ये है नेल्सन मंडेला डे कब है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब है, ये सब आपको याद करना है। तो इसमें आपको बताने का मतलब नहीं है, मैंने सिर्फ आपको टाइम दिया। और देखिए कारगिल विजय दिवस, ये सब थोड़े बहुत दिमाग में रख लो तो काफी काम आता है। तो ये सब आपका नोट्स बना लीजिए आप लोग, अगर आपको चाहिए मैं आपको ये पीपीटी दे दूंगा। मैं इसको इसका नहीं पढ़ रहा हूँ बिकॉज पढ़ने में कुछ है नहीं, आप लोग बस देख सकते हैं। जैसे ये मेन है रेडियो ब्रॉडकास्ट जो था हमारा वो 90 साल इस बार कंप्लीट किया 23 जुलाई को, ठीक है। ऐसे सब चीज थोड़े से दिमाग में रखिएगा ताकि आते रहता है वो। ओके सो थैंक यू गाइज, आई थिंक दिस वॉज इट एंड हैव अ नाइस डे। और आपको और कुछ चीज़ बताइए मुझे, मैं और पब्लिश करूंगा। हम लोग साथ ही में भारतीय इतिहास चला रहे हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों, तो उस पर भी आगे आएंगे। और तो दैट्स इट गाइज फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइज वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर जो जो आपसे होता है वो करिए, नहीं करना है तो आप बस बस मुझे एक लाइक दे दीजिए ताकि मेरे को पता चले कि आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छे से आया है, तो यही बोलना है मेरे को आप लोगों को। एंड यस, मैंने कुछ बुक्स के लिस्ट दिए हुए हैं सब आपके डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उस बुक को उसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई और बुक्स भी चाहिए और उनको आपके ऑनलाइन लिंक्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, बुक का नाम मैं आपको कहीं ना कहीं से उसकी ऑनलाइन लिंक लेके आपको दे दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड प्लीज़ डू लाइक दिस चैनल एंड लेट मी स्टार्ट अगेन विथ न्यू न्यू टॉपिक्स। आपको जो पसंद आए मेरे को प्लीज़ आप लिंक में कमेंट में मेरे फेसबुक चैनल में कहीं पे भी आप पेज पे लाइक करिए, और आप वहाँ जाके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या नया चाहिए। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।